हेलो स्टूडेंट्स दिस इज आकाश अलमुले वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में आपका स्वागत है जो कि मेरा स्लोगन है लेट्स लर्न नर्सिंग वन स्टेप अहेड सो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जाने वाले हैं विटामिन एंड इट्स डेफिशेंसी डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो आने वाले एग्जाम से उसके पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें हम विटामि एंड उसके जो डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स है वो हम कवर करेंगे सो so, शुरू करते हैं विटामिन्स के बारे में वॉट इज विटाम विटामिन आर इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिय दैट्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द मेटाबोलिज्म ओके विटामिन क्या है ये इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिय है वो हमको स्मॉल क्वांटिटीज में जो मेटाबोलिज्म जो फंक्शन है उसके लिए बॉडी के रिक्वायर्ड है ठीक है सो यहाँ पे हम विटामिनस का क्लासिफिकेशन करते हैं उसको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में बेस्ट ऑन द सोल्यूब सो बेस्ट ऑन द सोल्यूबिलिटी देर आर टू टाइप्स दैट इज फर्स्ट इज फैट सोलूबर सेकेंड वन इज वाटर सोलूबर सो इन फैट सोल्यूबल विटामिन इट कंटेन्स विटामिन ए डी ई के and uh, in the group of water soluble vitamins, vitamin B and its groups that is B complex, vitamin B complex and vitamin C. and दूसरा विटामिन का classification क्या है बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू हिट यहाँ पे उसके दो ग्रुप पड़ते हैं दैट इज हिट स्टेबल और हिट अनस्टेबल हिट स्टेबल विटामिन कौन कौन से है एडीई के एंड हिट अनस्टेबल विटामिन उसमें विटामिन सी तो आता ही है प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का आता बी वन एंड फॉलिक एसिड आता है जो कि बी नाइन होता है ठीक है तो ये हो गया विटामिन का क्लासिफिकेशन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वन बाय वन यहां पे सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फैट सोलबल विटामिन के बारे में अब देखते हैं फैट सोलबल विटामिन इसमें पहला विटामिन आता है विटामिन ए उसको कहा जाता है रेटिनॉल ओके okay, अब यहां पे देखते हैं हम कि विटामिन ये क्या है इट इज अ फैट सोलूबल विटामिन ये फॉर्म uh, पे होता है? इन द बॉडी पे? लिवर एंड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा कहाँ कैसे uh, ये होता है फ्रॉम द कैरोटीन ओके अब इसके फंक्शंस देखते हैं विटामिन ए के फंक्शंस क्या क्या होते हैं सबसे पहला फंक्शन विटामिन ए तो नॉर्मल विज़न के लिए लगता है नॉर्मल यानी इट्स वेरी बेनिफिशियल हेल्पफुल फॉर द नॉर्मल विशन नेक्स्ट है इट हैज़ एंटी इन्फेक्टिव रोल इन द बॉडी एंड तीसरा है तीसरा क्या है इट हेल्प्स इन मेनटेनिंग द हेल्थी एपिथिलियल एपिथिलियल सेल्स का ग्रोथ एंड उसके रेगुलेशन का काम क्या करता है विटामिन ए करता है ठीक है अब विटामिन ए के सोर्सेस देख लेते हैं सबसे पहला सोर्स तो एनिमल सोर्स एनिमल सोर्स में फिश ऑयल ओके फिश ऑयल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए उसके बाद मिल्क आता है डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं एग आता है एंड द मीट आता है इसमें हम कॉड लिवर ऑयल भी एड कर सकते हैं दोस्तों ओके okay? नेक्स्ट है प्लांट सोर्सेस ओके अब देखते हैं प्लांट सोर्सेस में कौन कौन से है कैरोट आता है मैंगो आता है स्पिनेच आता है ठीक है प्लांट सोर्सेस में क्या क्या है प्लांट सोर्स में विटामिन जो ए है ये कैसे फाउंड होता है इन प्लांट सोर्स इट फाउंड इन प्रो विटामिन दैट इज बीटा कैरोटीन के नाम से ये, आ, ये रहता है दोस्तों बीटा कैरोटीन के फॉर्म में रहता है अब इसके सोर्सेस कैरोट है मैंगो है स्पिनेच है पपया है डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है और दूसरा हम मैं आपको बता दूं जो विटामिन ए रेटिनॉल जो जो एनिमल फूड में वो फाउंड होता है वो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है ओके नेक्स्ट है इसके हम ओके नेक्स्ट है इसका सोर्स फोर्टिफाइड फूड फोर्टिफाइड फूड में मिल्क आता है मिल्क एंड द वनस्पति घी इसके ये दो सोर्स विटामिन मिलता है नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए अब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन में देख लेते हैं हम सबसे पहला तो है कंजेक्टाइवल जीरोसिस कंजेक्टाइवल जीरोसिस उसको ही बोला जाता है ड्राइनेस ऑफ आई इसमें क्या होता है जो कंजेक्टाइवल जीरोसिस इसमें क्या होता है आई पूरी तरीके से ड्राई हो जाती दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी फर्स्ट साइन ऐसा एमसीक्यू आता है वॉट इज द फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी तो आपको क्या लिखना है जीरोसिस दैट इज़ कॉल्ड ड्राइनेस ऑफ़ आइस नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस ओके नाइट ब्लाइंडनेस इट ऑल्सो इट इज द फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी ओके ये देख लीजिए नाइट ब्लाइंडनेस ये सिमटम है फर्स्ट क्लिनिकल सिमटम्स एंड फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशियं तीसरी डेफिशियपॉट अब देख लेते हैं बिटोर्ट स्पॉट क्या होता है? ये होता है ये ट्रेंगुलर रहते हैं पर्ली वाइट रहता है एंड एलोविश फोमी स्पॉट रहता है कहां पर रहता है ये कंजक्टाइवा में रहता है तो ये हो गया बिटॉर्ट स्पॉट ओके नेक्स्ट okay. उसमें आता है कॉर्नियल जीरोसिस इसमें क्या होता है कॉर्निया ड्राई होता है नेक्स्ट आता है केरेटोमलेसिया अब देखते हैं केरेटोमलेसिया क्या होता है इट्स अ लिक्विफिकेशन और एक्सट्रीमली सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया ओके इट इज द मेडिकल कंडीशन दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस मेडिकल कंडीशन बन जाती है होने के बाद सो so, पे आप डेफिशंसी डिसऑर्डर्स विटामिन ए के देख लिए अब देख लेते हैं यहां पे विटामिन ए में और एक एमसीक्यू बनता है इन इंडिया प्रिंसिपल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है ऐसा एमसीक्यू आ सकता है बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या रहेगा प्रिंसिपल कॉज ऑफ इंडिया और इन साउथ एशिया इज कैटरेक्ट ऑलमोस्ट केसेस कैटरेक्ट रहता है दोस्तों ओके ये हो गया विटामिन ए के बारे में चलो अभी विटामिन डी विटामिन डी के बारे में देखते हैं अब विटामिन डी अब विटामिन डी क्या होता है विटामिन डी कोले कैल्सोफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है ओके okay? आर टू फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी सबसे पहले तो कैल्सिफेरॉल दैट इज डी टू एंड दूसरा है कोलिक कैल्सिफेरॉल दैट इज डी थ्री के नाम से जाना जाता है ओके okay. एंड इसको एंटीराकिटिक विटामिन भी बोला जाता है एंटीराकिटिक विटामिन के नाम से बोला जाता है अब क्यों एंटीराकिटिक विटामिन बोला जाता है बिकॉज इट्स डेफिशियंसी इंटरफर्स विद द कैल्सियम एंड द फॉस्फरस यूज एंड दिस विल कॉज रिकेट्स दैट्स वाई इसको एंटीराकिट विटामिन uh, बोला जाता है दोस्तों ओके okay. नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन डी ये एक्टिव फॉर्म में कहा रहता है इन इन द फॉर्म इट्स एक्टिव फॉर्म में कैल्सिफिरॉल इन टू किडनी इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथॉर्ड हार्मोन कॉल्ड एज किडनी हार्मोन विटामिन डी ये एक्टिव फॉर्म में रहता है विद द प्रेजेंस ऑफ पैराथॉयड हार्मोन कहां पे किडनी में इसलिए इसको किडनी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट है इसके सोर्सेस देख लेते हैं अब सबसे बड़ा सोर्स है इट्स अ नेचुरल विटामिन एंड नैचुरल सोर्स क्या है सनलाइट ओके okay? अब सनलाइट का किस तरीके से इसका नेचुरल सोर्स और ये बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का ये देख लेते हैं अब क्या होता है स्किन में क्या होता है बिनीत द स्किन सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम की एक चीज रहती है दोस्तों सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विच डिपोजिट अंडर द स्किन बाय द एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट वायोलेट रेट ऑफ द सनलाइट वो सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है सो so, इसके वजह से सनलाइट इज नेचुरल एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी ओके नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अब यहां पे देख लेते हैं कि फूड uh, ओके okay, इसके जो फूड से इट्स नॉट फाउंड इन फूड एंड वेजिटेबल ओरिजिन ये देख लीजिए विटामिन डी फूड से एंड वेजिटेबल से आपको मिलता नहीं है इसका एक ही सोर्स है वो सनलाइट है ठीक है नेक्स्ट इसके फंक्शन देख लेते विटामिन डी के फंक्शन क्या होते हैं इट विल हेल्प्स टू इंक्रीज द कैल्शियम एंड फॉस्फरस ओके नेक्स्ट क्या होता है ये बोन की मिनरलाइजेशन एंड बोन को हार्ड सख्त बनाता है एंड उसके बाद स्टमक कैंसर कोलोन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम करता है ओके okay, अब इसके देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स अब डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं सबसे पहला तो रिकेट अब रिकेट्स क्या होता है बेसिकली रिकेट्स यंग चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस में पाया जाता है फ्रॉम द एज ऑफ सिक्स मंथ टू टू इयर्स ओके नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेसिया अब ऑस्टियोमलेसिया क्या होता है इसको बोला जाता है एडल्ट रिकेट्स बोला जाता है ऑस्टियोमलेसिया ये एडल्ट में होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी अब ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है ऑस्ट्रोमलेशिया होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन मिनरल का डिफिशियंसी मिनरल्स कैल्शियम फॉस्फरस की मात्रा कम हो जाना दैट इज विटामिन डी की डिफिशियंसी दैट विल कॉज ऑस्टिमलेसिया इन द एडल्ट इसको एडल्ट रिकेट से भी माना जाता है मोस्टली इट इट इज मोस्ट कॉमन इन द प्रेग्नेंट वुमन एंड द लैक्टेटिंग वुमन कॉज प्रेग्नेंसी एंड लैक्टेशन में क्या होता है फॉस्फरस एंड कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है क्योंकि मिल्क बेबी को जाता है तो कैल्शियम एंड फॉस्फरस की uh, जो डिपोजिशन है जो मात्रा है वो मदर में लैक्टेटिंग मदर में और प्रेगनेंसी के टाइम में मदर में कम हो जाती है तो ड्यू टू दैट द मदर का बोन्स सॉफ्ट बन जाते हैं ठिसूड बन जाते हैं उसके कारण इजीली फ्रैक्चर uh, या uh, क्या ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ई e. अब विटामिन ई e को टोकोफेरॉल नाम से जाना जाता है अब देख लेते हैं टोकोफेरॉल का जो विटामिन ए e का महत्व क्या है ह्यूमन एंड एनिमल में तो यहां पे देखते हैं बेसिकली टोको जो विटामिन ई e है इसेंशियल फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन द एनिमल एज वेल एज इन द्यूमन इसीलिए इसको क्या बोला जाए टोको टोको मीन्स चाइल्ड बर्थ एंड फेरो फेरोमी बियर यानी क्या होता है चाइल्ड बर्थ बियर विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है विटामिन ई e को इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी स्टरिलिटी एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ओके दोस्तों ओके okay, नेक्स्ट इसके सोर्सेस देख इसके सोर्सेस क्या क्या बनेंगे कॉटन सीड फ्लावर सनफ्लावर सीड्स एग योग एंड द बटर एंड इसका डेफिशिय क्या हो सकता है इसके डेफिशिय के कारण मोस्टली स्टरिलिटी आ सकती है आती है ओके okay? ओके okay. ये हो गया विटामिन ई e के बारे में नेक्स्ट है विटामिन के अब विटामिन के विटामिन के इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हेमोरिजिक फैक्टर्स विटामिन ए विटामिन के इज सिंथेसाइज बाय इंटेस्टाइनल फ्लोरा अब देख लेते हैं विटामिन के विटामिन के क्या होता है दोस्तों इट इज विटामिन के इज इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स दैट इज प्रथमिन फैक्टर क्रिसमस फैक्टर एंड सेवंथ वन देखो यहाँ पे जो क्लोटिंग फैक्टर्स है नंबर टू नंबर सेवन नंबर नाइन एंड नंबर टेन की के प्रोडक्शन के लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है इसके डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है विटामिन के के क्लॉटिंग टाइम एंड द टाइम जो रहता है वो प्रोलॉन्ड हो जाता है ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है डेफिशिएंसी की वजह से ओके okay, नेक्स्ट है जो न्यूबॉर्न होता है न्यूबॉर्न जैसे ही बर्थ हो जाता है ओके okay, डिलीवरी में एल में या नॉर्मल इसमें उसके बाद उसको विटामिन के दिया जाता है क्यों दिया जाता है दोस्तों क्योंकि विटामिन के डेफिशिएंट रहता है क्योंकि जो बच्चे का इंटेस्टाइनल फ्लोरा रहता है ओके okay, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है डिफिशियंट रहता है जो इंटेस्टाइनल बैक्टेरियल फ्लोरा ओके okay? एंड उसके कारण क्या हो जाता है वो विटामिन जो के का प्रमाण शरीर में कम रहता है ओके okay? इसीलिए बच्चे को विटामिन के एट द बर्थ दिया जाता है कहाँ पे दिया जाता है आई एम इंजेक्शन दिया जाता है इनटू द वॉस्टस लेट्रालिस मसल्स कितना दिया जाता है 0.1 पॉइंट तो वन टू जीरो मिलीग्राम ओके okay? आफ्टर द बर्थ ओके okay. उसके सोर्सेस देख लेते हैं इसके सोर्सेस क्या है डार्क ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स दीस आर द मेन सोर्सेस ऑफ विटामिन के एंड the इसके डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है अब देख लेते हैं दोस्तों वॉटर सोलूबल विटामिन ठीक है एडीई तो के आपने देख लिया अब वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या क्या है वाटर सोल्यूबल सोलुबल ओके इसमें बी कॉम्प्लेक्स एंड द विटामिन सी एंड दिस विटामिन रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट ओके अब देख लेते हैं उसमें सबसे पहला थायमिन अब थायमिन में देख लेते हैं थायमिन इट्स अ वाटर सोल्यूबल विटामिन ओके ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है ओके okay? एंड ये मोस्टली इसके सोर्स क्या रहता है थायमिन का जो आ, वाइट आ, जो राइस रहता है वाइट राइस परबॉइल्ड राइस या वाइट राइस जो बोलते हैं जो पॉलिश सॉरी जो राइस रहता है ना स्पेशली सीरियलस एंड वाइट राइस उसमें थायमिन रहता है दोस्तों ठीक है एंड जो uh, ब, uh, क्या रहता है इसमें दोस्तों थाइमिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन सो ये क्या हो जाता है कि एट द टाइम ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग थाइमिन लॉस होता है एंड इट्स रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट आल्सो ओके अब इसमें देख लेते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स क्या क्या है इसकी सबसे पहला डिफिशियंसी क्या है बेरीबेरी -बेरी. अब बेरीबेरी -बेरी क्या होता है ओके okay, तो ये बेरीबेरी बेरी में मोस्टली क्या हो जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है काफ टेंडरनेस रहता है कॉन्स्टिपेशन रहता है और इसके बाद बेरीबेरी बेरी के टाइप भी रहते हैं ड्राई बेरी बेरी वेट बेरी बेरी अब ड्राई बेरीबेरी क्या होता है पेरीफेरल न्यूराइट इसमें क्योंकि नर्व इन्वॉल्व हो जाती है वेट बेरी बेरी में इसमें हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है सो इट इट्स ड्राई बेरी बेरी एज वेल एज वेट बेरी बेरी ओके ये बेरीबेरी के टाइप हो गए मोस्टली बेरी बेरी क्यों होता है जो वाइट पॉलिश राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ पीपल एंड जहाँ पे राइस इटर्स मोस्टली राइस इटर्स राइस इटर्स डिसीज़ इसको बोला जाता है जहाँ पे वाइट राइस खाया जाता है एंड मोस्टली उसको धोने के टाइम पे और कुकिंग के टाइम पे क्या हो जाता है उसके कारण uh, थाइमिन तो निकल जाता है प्लस वाइट राइस जो पॉलिश राइस करते हैं एट द टाइम ऑफ मिलिंग प्रोसेस जब उसको चक्की पे लगाया जाता है तो उसके ऊपर का जो कवर रहता है वो थान निकल जाता है दोस्तों मिलिंग प्रोसेस so, की वजह से सो ज्यादा राइस पॉलिश क्यू राइस नहीं खाना ओके सो ओके नेक्स्ट हो गया हम देखेंगे दूसरा डिफिशियंसी वर्निक्स एंसोफेलोपैथी एंड द कोसाकॉप सिंड्रोम ओके वर्निक्स एंसोफेलोपैथी एंड कोसाकॉप सिंड्रोम मेनली वी कैन सीन इन द क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट अब क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट में ये दोनों चीजें पाई जाती है इसमें इट्स अ डिजेनेटिव ब्रेड डिसऑर्डर है ये होता है ओके ड्यू टू तो डेफिशियं ऑफ थान ओके okay, तो मोस्टली जो क्रोनिक uh, अल्कोलिज्म के पेशेंट रहते हैं उनको ये होता है इसीलिए क्रोनिक क्रोनिकल्कोलिज्म में थायमिन का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को एंड विटामिन बी वन का सप्लीमेंट भी पेशेंट को दिया जाता है ओके okay, नेक्स्ट देख लेते हैं हम विटामिन बी टू दैट इज राइबोफ्लेविन अब राइबोफ्लेविन क्या है राइबोफ्लेविन मोस्टली इट्स अ फंडामेंटल रोल इन द

न ग्लोसाइटिस इंफ्लामेशन ऑफ टंग्स एंड देन डिसेब्सिया डिसेबिसिया दैट इज डिस डिस्फंक्शन ऑफ सिबेसियस ग्लैंड डिस उसको बोलता है डिसिबेसिया ओके नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन बी थ्री दैट इज नियासिन अब नियासिन क्या होता है मेनली uh, पे ओके होती है जो मेजिटर पॉपुलेशन रहती है उसमें विटामिन बी थ्री की डिफिशियंसिज होती है अब नियासिन इज बाय अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन ओके क्या होता है नियासिन कैसे सिंथेसाइज होता है ट्रिप्टोफैन के uh, uh, जो इसल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन रहता है ना वो सिंथेसाइज करता है सी डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं इसका डेफिशियंसि डिसऑर्डर्स है पेलाग्रा और पेलाग्रा में क्या होता है अपने को थ्री डी ये दिखता है क्या दिखता है इज डायरिया डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस ओके मोस्टली ये मेजिटर पॉपुलेशन में होता है क्योंकि जो मेज रहता है ना वो वो, वो प्रेजेंट इन द बाउंड फॉर्म बाउंड फॉर्म में रहता है बिकॉज़ ऑफ है वो वो अनबल हो जाता है लोगों को जो ज्यादा मेज खाते हैं उनको और बिकॉज ऑफ दैट अनबिलिटी ऑफ थान सॉरीवेलेबिलिटी ऑफ नियासिन इन द मेज दैट कॉज पेलाग्रा ओके नेक्स्ट विटामिन Uh, उसको निकोटिन निकोटेनिक एसिड भी बोला जाता है दोस्तों नियासिन और निकोटेनिक एसिड नेक्स्ट बी फाइव दैट इज विटामिन बी फाइव पैंटोथेनिक एसिड अब पैंटोथेनिक एसिड क्या होता है इट हेल्प्स ऑफ कन्वर्शन ऑफ अमाइनो एसिड लिपिड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी क्या रहता है इट्स नेसेसरी फॉर द कर्ब साइकल्स एंड फॉर कन्वर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड द लिपिड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स ओके इसके डिफिशियंसी के डिफिशियंसी से क्या होता है मोस्टली डिफिशियंसी के कारण पेनफुल सेंसेशन इन द सोल ऑफ फूट ओके पेरिफेरल न्यूरोपैथी मायोपैथी हो सकती है उसको क्या कहते हैं बर्निंग फूड सिंड्रोम बोला जाता है नेक्स्ट है विटामिन बी सिक्स दैट इज पायरिडॉक्सिन ओके पायरिडॉक्सिन ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पे मेटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड फैट्स ओके ओके इसमें इसका रोल है इसके डिफिशियंसी क्या होता है इसके कारण डेफिशिय डिसऑर्डर्स पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है दोस्तों पेरिफेरल न्यूराइटिस मोस्टली मेनली वी कैन सीन इन अ पेशेंट हु हू आइसोनियाजाइड जो टीबी की जो ट्रीटमेंट लेते हैं ना आइसोनियाजाइड उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हम विटामिन बी बी सेवन दट इज बायोटिन बायोटिन का उतना ज्यादा रोल नहीं है इट डज नॉट कॉज एनी सिम्टम्स इन द एडल्ट बट इट्स अ कॉस्मेटिक इफेक्ट इसमें uh, हो सकता है कि डिक्रीज हेयर ग्रोथ एंड द नेल ग्रोथ ये कुछ um, uh, ये चीजें हो सकती है नेक्स्ट है विटामिन सॉरी इसका स्पेलिंग कुछ गलत हो गया है विटामिन बी नाइन दट इज फोलिक एसिड और द फोलेट मोस्टली जो फोलिक एसिड होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओके ओके जो डीएनए आरएनए एंड ब्लड सेल्स इन द रेड बोन मैरो पे न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए फोलिक uh, एसिड का बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट है ओके okay? इसके सोर्सेस क्या है दोस्तों इसके सोर्सेस है स्पिनेच ओके ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स फ्रूट एग्स मीट मिल्क बीन्स एंड सीरियल्स ओके और ये ओवर कुकिंग में डिस्ट्रॉय द फॉलिक एसड हीट अनस्टेबल विटामिन है फोलिक एसिड फोलिक एसिड ज्यादा पकाने के कारण लॉस होने के ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है अब इसके कारण डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स क्या है मेगालोब्लास्टिक अनिमिया उसको ही मैक्रोसाइटिक अनिमिया बोला जाता है और इन प्रेगनेंसी डिफिशियंसी ऑफ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी फोलिक एसिड और फोलेट इट विल कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा ओके नेक्स्ट देख लेते हैं बी ट्वेल्व साइनो कोबेलामाइन साइनोकोबेलाइन बेसिकली विटामिन बी ट्वेल्व लाइक फॉलिक एसिड इट्स ऑल्सो इसेंशियल फॉर डीएनए आरएनए एंड ब्लड सेल सिंथेसिस ओके इंट्रेंसिक फैक्टर्स सिक्रेटेड फ्रॉम पराइटल सेल्स ऑफ स्टमक इज इसशियल फॉर द ऑब्जर्व इट्स एबसॉप्शन एट अ टर्मिनल एलियम ओके ये तो इसका ये हो गया अब इसके सोर्सेस विटामिन विटामिन बी फाउंड इन द फूड और वेजिटेबल ओरिजिन लाइक विटामिन डी ओके विटामिन बी ट्वेल्व ये फूड एंड वेजिटेबल में मिलता नहीं है लाइक विटामिन डी ये मोस्टली हमको कहां पे मिलता है इट्स अ गुड सोर्स लिवर जो मीट का जो लिवर रहता है ओके okay? यहां पे देख लेते हैं इट इज एसेंशियल फॉर डी एन ए आर एन एंड ब्लड सेल सिंथेसिस इट इज नॉट फाउंड फाउंड इन फूड एंड वेजिटेबल ओरिजिन सोर्सेस क्या है इसके लिवर मीट इज अ बेस्ट सोर्सेस

एंटी हेमरेजिक एंटी इन्फेक्टिव ओके इट इज यूज फॉर प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड ऑल्सो इट प्रमोट विलिंग ऑल्सो इनक्रीज एब्सॉर्बन ऑफ आयन ऑल्सो इन वेजिटेबल सोर्सेसो दिस इज द फंक्शन एंड द सोर्सेस क्या है साइट्रस फूड साइट्रस फूड में सबसे पहले आमला दैट इज इंडियन घुसबिरी इज द बेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी नेक्स्ट गावा भी आएगा इसमें लेमन टोमेटोस एंड ऑरेंजेस ओके ड्यू टू डेफिशिय क्या होता है इसमें स्कर्वी स्कर्वी होने के चांसेस होते हैं तो स्कर्वी क्या होता है ब्लीडिंग गम्स ओके okay? नेक्स्ट है हम अभी वन बाय वन इसको मेमोराइज कर लेते हैं फ्लो चार्ट के हिसाब से विटामिन एंड डेफिशिय विटामिन ए के को रेटिनॉल कहा जाता है इसके डेफिशियंटी डिसऑर्डर्स कंजेक्टावल जीरोसिस नाइट ब्लाइंडनेस बिटॉर्ट स्पॉट देन नेक्स्ट है विटामिन डी उसको कोले बोला जाता है इसके डेफिशियंटी डिसऑर्डर्स रिकेट्स एंड द ऑस्ट्रोमले रिकेट्स एज ए चाइल्ड में ऑस्ट्रोमलेडल्ट देन विटामिन ई टोकोफेरॉल उसके कारण डेफिशिय के कारण स्टरिलिटी होता है विटामिन के के कारण ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होता है विटामिन बी वन थैमिन के कारण बेरीबेरी होता है ओके एंड द बेरीबेरी एज वेल एज द कोसकॉफ एंड वर्निक्स एनसेफेलोपैथी देन विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन के कारण एंगुलर स्टोमैटाइटिस देन उसके बाद uh, भ, 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 क्या बोलेंगे स्टोमेटाइटिस एंगुलर चिलोसिस एंड द क्या था सॉरी ग्लोसाइटिस ओके नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री दैट इज नियासिन के कारण डिफिशियंसी के कारण पेलाग्रा होता है विटामिन बी फाइव पैंटोथेनिक एसिड के कारण सिंड्रोम विटामिन बी सिक्स के पैरिडोक्सिन के कारण पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है विटामिन बी नाइन फोलिक एसिड के डिफिशियंसी की वजह से मैगेलोब्लास्टिक एनेमिया विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबेलाइन के डिफिशियंसी की वजह से पेरिस होता है एंड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के डेफिशियंसी की वजह से कर भी होता है तो दोस्तों दिस इज अबाउट विटामिन एंड इट्स डेफिशिय डिसऑर्डर्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेरा चैनल का नाम क्या है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग दैट इज एक स्टेप जाके आपको नर्सिंग पढ़ना है आपके फ्यूचर के लिए आपके सक्सेस के लिए दोस्तों सो so, इसी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल जॉइन uh, कर लीजिए है फॉर मोर अपडेट्स एज वेल एज फॉर डेली फ्री टेस्ट एंड मैंने एक ऐप भी बनाया है टीच uh, टीचमेंट का वो मैं इसका लिंक दे दूँगा वो आप ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे आप एवरी वीक वीकली आप वहाँ पे हंड्रेड मार्क्स का अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन जो करंट एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसके हिसाब से हम लोग टेस्ट बनाते हैं मैं और मेरे uh, एक फ्रेंड है uh, वो तो ये आपको आपके भविष्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके सक्सेस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा तो दोस्तों मैक्सिमम ये वीडियो को शेयर करिए थैंक यू जय हिंद दोस्तों